हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब भी आपके घर में केले थोड़े काले पड़ जाए तो ये रेसिपी ट्राई करना मत भूलिए। ये एक स्वीट रेसिपी है, खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं और बनाना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम पके हुए केले को पील कर लेंगे, फिर इसे मैश कर लेंगे एक फोर्क के हेल्प से। आप चाहें तो उंगलियों के हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसमें 1 बाउल आटा लिया है, 1/2 बाउल सूजी लिया है सेमोलिना, 1/2 बाउल मैं इसमें शुगर यूज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से शुगर कम ज्यादा कर सकते हैं। कसा हुआ नारियल इसमें मैं 1/2 बाउल यूज कर रही हूँ। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट इसे देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं सौंफ दे रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक छोटे बाउल से मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1 बाउल मैंने यूज किया है मिल्क। थोड़ा और मिल्क हमें ऐड करना है इसमें, 1/2 बाउल मिल्क मैंने थोड़ा और ऐड किया है। हमें इसे चेक कर लेना है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पकोड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं, उस तरह का बैटर हमें तैयार करना है। अब हम इस पे 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हम फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम बैटर इस तरह से उंगलियों के हेल्प से पोर करेंगे ऑयल में। ध्यान रखिए ओवन का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है, जिससे कि गुलगुले अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। गुलगुले हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रंची होते हैं। इसी तरह हम पलट पलट के इसे हम फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। ये गुलगुले बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये एक इंस्टेंट रेसिपी है। आप इन गुलगुलों को बच्चों के लंच बॉक्स में या टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। इन्हें आप शाम को बना के रख सकते हो, शाम की चाय के साथ, या गेस्ट आने पे भी इंस्टेंट सर्व कर सकते हो। इन्हें मैं निकाल लूंगी, किचन टॉवल में हम इसे निकालेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है किचन टॉवल सोक कर ले। इसी तरह हम बाकी गुलगुले भी एक एक करके फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए ओवन का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप ओवन का फ्लेम एकदम लो कर लीजिए। सारे गुलगुले हमारे तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये स्वादिष्ट गुलगुले की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।